एक बार की बात है, फीफा दुनिया के टॉप 8 प्लेयर्स के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन उन टॉप 8 प्लेयर्स में एक भी इंडियन का नाम नहीं था। उन 8 प्लेयर्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए थे। सभी लोग अपने अपने देश के प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए अपने अपने देश का झंडा फहरा रहे थे। उसी भीड़ में एक बंदा इंडिया का झंडा लेकर भी आया था, लेकिन इंडिया का एक भी प्लेयर ना होने के कारण वो झंडा नहीं लहरा पाता। ये बात जब राष्ट्रा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो चाहता था कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में किसी इंडियन का नाम भी हो, और इसी सोच के साथ राष्ट्रा बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देता है। और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब राष्ट्रा को दुनिया के टॉप प्लेयर्स के फंक्शन में बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग उसे हैकर बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इस बात से दुखी होकर राष्ट्रा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर राष्ट्रा की मदद करने के लिए ज्ञान भाई आ जाते हैं। ज्ञान भाई ऑडियंस को समझाते हैं कि राष्ट्रा कोई हैकर नहीं है, राष्ट्रा ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने गेम प्ले को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है। तभी ऑडियंस ज्ञान भाई की बात को समझ जाती है और वो राष्ट्रा को चीयर अप करने लगती है। इससे राष्ट्रा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और अब राष्ट्रा का नाम दुनिया के टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है।